नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं, एक और घटना। लेकिन आज की घटना पुरानी है, वर्ष 2021 की है। महाराष्ट्र के सासवाद जिले में एक सूचना कंट्रोल रूम को आई 9 जुलाई 2021 को, समय था करीब 11 बजे, कि कस्बे के एक नाले में एक शव दिखाई दे रहा है। पुलिस पहुंची, निकाला उसे। वास्तव में वो एक व्यक्ति का शव था जिसके सिर पर चोट के गंभीर निशान थे। पुलिस ने सबसे पहले उसकी शिनाख्त करने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की। अगले दिन यानी 10 जुलाई को उस शव की शिनाख्त हुई कि इसका नाम भगवान मार्कट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई नेक्स्ट डे तक और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एक FIR दर्ज कर ली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पड़ताल शुरू की। पता ये लगा कि इसकी सबसे अच्छी दोस्ती निरंकार साहनी से थी। इस व्यक्ति की, मृतक की दोस्ती पास में रहने वाले निरंकार साहनी नाम के एक व्यक्ति से थी। निरंजन साहनी नाम के एक व्यक्ति से थी। ये भी बताया कि भगवान मार्कट सोनारी रोड पर एक टायर की दुकान पर काम करता था, सेल्समैन का। और निरंजन साहनी वो एक फर्नीचर शॉप पर बढ़ई का काम करता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हम प्याला हम निवाला थे और शाम को हमेशा शराब पिया करते थे। ये भी बताया गया कि निरंजन साहनी के पास एक मोटरसाइकिल है। कस्बे की बात थी, फौरन दोनों के नंबर मिल गए, निरंजन साहनी का भी और भगवान मार्कट का भी। भगवान मार्कट का जो फोन की लोकेशन थी वो करीब 10:30 बजे के आसपास वो स्विच ऑफ हो गई थी, वो बंद हो गया था उसी स्थान पर जहां वो रहता था या जहां उसकी लाश मिली थी। लेकिन पुलिस को तब बड़ा ताज्जुब हुआ कि घटना वाले दिन यानी 9 जुलाई की सुबह इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में थी, मोटरसाइकिल भी गायब थी। पुलिस ने आगे ट्रेस करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश से ये बिहार तक इसकी लोकेशन आई और जो ट्रैक मिला उससे यही साबित हुआ कि करीब 2000 किलोमीटर ये अपनी बाइक से गया होगा, क्योंकि सड़क के ही टावर उसमें बार बार आ रहे थे। जिस सड़क से वो होकर गया था वहीं के टावर बार बार CDR में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। पुलिस भी पीछे पीछे भागी। 11 तारीख को पुलिस जहां पर लास्ट लोकेशन मिली थी वहां पहुंच गई। बिहार का एक कस्बा है जो नेपाल के एकदम सीमा से लगा हुआ है, उसका नाम है रक्सौल। हमारे ख्याल से पश्चिमी चंपारण जिला पड़ता होगा या पूर्वी चंपारण, चंपारण जिले में ये पड़ता है लेकिन बिल्कुल नेपाल की सीमा पर है। पुलिस ने वहां आसपास फोटो दिखाकर जानने की कोशिश की, किसी को कुछ पता नहीं लगा। पुलिस अपने साथ
उस फर्नीचर की दुकान का एक आदमी भी लाई थी जो निरंजन साहनी को पहचानता था। पुलिस सादे में वहां से नेपाल की सीमा के भीतर चली गई। बिल्कुल सटे हुए वहां बहुत ढेर सारे मकान बने हुए थे। सादे में ही घूमकर काफी कोशिश की गई, लेकिन निरंजन साहनी की का कुछ पता नहीं लगा। अगले दिन यानी 12 तारीख को फिर उसकी लोकेशन थोड़ी देर के लिए भारतीय सीमा में रक्सौल में आई, 45 मिनट या 50 मिनट के लिए। जब तक पुलिस भाग दौड़ करती, इधर से गया उधर से गया, पहचानने वाला साथ में था, वो नंबर फिर दूसरे नेटवर्क यानी नेपाल के नेटवर्क में चला गया। पहले हम लोगों के समय में नेपाल से अपराधी, अगर कोई अपराधी है, हम हॉट चेज में गए हैं, तो वहां से उठा लाते थे, पकड़ लाते थे, अरेस्ट करके लाते थे। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से गलत था, हमें नेपाल की सीमा को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन आवाजाही इतनी ज्यादा दोनों तरफ हुआ करती थी कि हमें वहां पर जाकर अपने अपराधी को अरेस्ट करने में दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में यह सिलसिला रुक गया है। नेपाल पुलिस विरोध करती है, प्रतिरोध करती है, और कई कई मामलों में गिरफ्तार करने गई पुलिस को उसने बंदी बना लिया, अरेस्ट कर लिया, रोक लिया कि आप बिना सूचना के कैसे मेरी सीमा में घुस आए, आपने बिना अधिकारियों की पूर्व अनुमति के कैसे हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को आपने नुकसान पहुंचाने की या अरेस्ट करने की कोशिश की। तो अब लगभग ये तय हो गया है कि अगर आपको वहां किसी को गिरफ्तार करना है तो आपको स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। दिल्ली पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर, शायद अब रिटायर हुए हैं, साल दो साल पहले, जिनका बड़ा नाम था, वो भी एक बार नेपाल किसी गंभीर अपराध में लिप्त एक अपराधी को गिरफ्तार करने गए थे, जिन्हें वहां की पुलिस ने बिठा लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। दोनों सरकारों के इंटरवेंशन के बाद ही वो छूट कर वापस आए थे। बहुत ढेर सारी कहानियां इस सिलसिले में हैं। महाराष्ट्र पुलिस में या सासवाद की पुलिस ने कोशिश भी की कि किसी तरह से यहां पता लग जाए तो हम क्योंकि जो प्रोसेस है वहां नेपाली अधिकारियों को बताने का और बताने के बाद गिरफ्तार करके ले आने का, वो प्रोसेस ही बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल होती है उस प्रोसेस से अपराधी को वहां से ले आना। लेकिन एक दिन पहले आधे घंटे के लिए आना और फिर चले जाना, ये बात पुलिस के कम समझ में आई। पुलिस ने फिर अपने सासवाद के उन संपर्क सूत्रों से संपर्क करना शुरू किया जो उसके घर के आसपास या घर में रहते थे। वहां से एक बहुत अजीब बात उसके बारे में बताई गई। ये बताई गई कि साहब वो सब्जियों का बड़ा शौकीन है, वो सब्जियां खरीदने खुद जाता है और हर दिन अलग अलग सब्जियां खाता है। ये बात थोड़ी सी समझने वाली थी। पुलिस ने रक्सौल के उस टावर पर काम करना शुरू किया जहां सब्जी की दुकानें थी या सब्जी की मंडी लगती थी। अगर इसकी ये आदत है तो ये आएगा जरूर। इसी बीच में 13 तारीख को वहां पर साप्ताहिक मंडी की सूचना मिली। पूछते पूछते ये पता लगा, साहब अगर आता होगा तो 13 तारीख को यहां पर बहुत बड़ी मंडी लगती है, सब्जी की ही मंडी लगती है, साप्ताहिक बाजार लगता है लेकिन सब्जी मंडी लगती है, और बहुत ढेर सारे लोग उधर से नेपाल से इधर आते हैं क्योंकि यहाँ बिहार से जो सब्जी जाती है वो अच्छी मानी जाती है या ताजी मानी जाती है या स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, बहुत से लोग आते हैं। तो ये मान के कि वो आएगा जरूर, सादे में पुलिस, सासवाद की यानी महाराष्ट्र की पुलिस, और उनके साथ पहचानने वाला वो आदमी,
वो लोग उस सब्जी मार्केट के आसपास बिल्कुल जैसे घात लगा के बैठे हुए थे। जो आदमी साथ में गया था, जिसे पुलिस की भाषा में मुखबिर कहते हैं, मुखबिर ने इशारा किया कि उधर से सीमा पार करके हाथ में झोला लिए हुए आ रहा है। जो चार पांच लोग महाराष्ट्र पुलिस के सासवाद के गए हुए थे, उन्होंने उसको जीरो इन किया और उसने जैसे ही सब्जी की दुकान पर पहुंचकर सब्जी का मोल भाव शुरू किया, उसे दबोच लिया, दबोच के उसे ले आए सासवाद। पूछा गया कि भाई आप तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये बताया, हम लोग रोज शराब पीते थे, घटना वाले दिन भी हमने शराब पी, ज्यादा शराब में वो कुछ उल्टी सीधी बात ऐसा कह गया कि मुझे उस पर गुस्सा आ गई और मैंने उसे भारी एक रॉड से उसके सिर पर कई प्रहार किए, और जब मुझे ध्यान आया, जब मुझे होश आया कि अरे ये तो मर्डर हो गया, मैं उसे अपने कंधे पर लाद कर वहाँ से करीब 100 गज की दूरी पर बहने वाले एक नाले में उसे फेंक दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अन्ना घोलक ने बताया कि पहले तो अज्ञात पे हमने मुकदमा लिखा था, लेकिन धीरे धीरे हमें इस बात का आइडिया हो गया, क्योंकि जहाँ इसका निरंजन साहनी का घर है उससे 100 गज की दूरी पर ही ये नाला है, और इनके उनके मृतक के और निरंजन के आपसी जो दोस्ताना व्यवहार है, इसकी जानकारी हमें आसपास के लोगों से मिल गई थी। लेकिन हमें ताज्जुब था कि वो मोटरसाइकिल से 2000 किलोमीटर, वो भी 24 घंटे में कैसे पहुंच सकता है। और हमने वहां पर, चूंकि नेपाल में जाना अगर मिल ही जाता तो वहां से ले आना बहुत दिक्कत होती, वो शोर मचाता, पुलिस आ जाती, फिर हम उसे यहां नहीं ला सकते थे, इसलिए उसकी आदतों में शुमार चीज़ों के बारे में हमने जानकारी की। और जैसे ही ये बात पता लगी, हमें सफलता मिल गई, वो सब्जी लेने आया और हम उसको गिरफ्तार कर पाए। सासवाद की पुलिस ने उस पर कांस्टेबल विक्रम भोर और नीलेश यादव, ESI राहुल घुले, कांस्टेबल विक्रम भोर और नीलेश यादव, इन्होंने बहुत ही धैर्य का परिचय करके, उसकी आदतों में क्या क्या शुमार है इसका पता करके, दिन रात मैले कुचैले कपड़ों में, ताकि वो अलग से आइडेंटिफाई न हो, बॉर्डर पर घात लगाए बैठे रहे और उसको गिरफ्तार करके ले आए। आज की घटना, देखिए आज की घटना मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो कोई अपराधी बच नहीं सकता। दिमाग लगाने की जरूरत है बस। जब अपराधी का पता चल जाता है कि हाँ फलां अपराधी ने ये अपराध किया है और अपराधी फरार हो जाता है, तो पुलिस सबसे पहले उसके दोस्तों, यारों, घर वालों, इनकी फेहरिस्त बनाती है, लिस्ट बनाती है, उनके मोबाइल नंबर इकट्ठा करती है, सबकी CDR ले आती है। कोई नया नंबर अपीयर हुआ, इसका मतलब उसने फरारी में कहीं से उसने फोन किया है, उसकी लोकेशन मिल जाएगी। एक तो ये लिस्ट, दूसरी उसकी आदतों की फेहरिस्त, उसके आदतों की लिस्ट। जैसे तमाम अपराधी सिर्फ इस आदत की वजह से पकड़े गए कि वो शेव खुद नहीं कर पाते थे, वो शेविंग के लिए किसी न किसी बार्बर की दुकान पर जाते थे। इस तरह की तमाम आदतें कोशिश करके घर वालों से, बगल वालों से, जानने वालों से, गैंग मेंबर से, इस तरह की जो उनकी आदतें हैं उनकी भी एक लिस्ट पुलिस बना लेती है, ताकि उन आदतों की वजह से अगर वो कहीं उनके जाल में फंस सके तो फंस जाए। कभी कभी अपराधी पुलिस से चार हाथ आगे होता है, बात ही नहीं करेगा, वो सिम बदल लेगा,
पुलिस ये भी देखती है कि किससे हर हाल में बात करेगा, माँ से, अपने बच्चों से, पत्नी से, प्रेमिका से, अपने वकील से, पुराने मुकदमों की जानकारी के लिए 4 दिन में 6 दिन में 10 दिन में 15 दिन में जरूर बात करेगा। उनके नंबर पुलिस लगवा लेती है सर्विलांस पर, कि जैसे ही नंबर आएगा नंबर ट्रेस करेंगे, लोकेशन का पता करेंगे। इस घटना में भी उसकी एक आदत पर पुलिस ने काम करना शुरू किया, वहीं के लोगों से पता करके, सासवाद के वहां आसपास के रहने वालों से पता करके कि ये विदाउट फेल सब्जियां खुद लेने जाता है। पुलिस ने सीडीआर का पैटर्न देखा तो दूसरे दिन ये आधे घंटे के लिए इधर बिहार की टावर से इसकी लोकेशन अटैच होती थी और आधे पौन घंटे में ये चला जाता था। पुलिस ने वो जगह देखी जहां पर उधर से इधर आने में 5-7-10 मिनट लगे, 10 मिनट वो अपना काम करे और फिर वापस चला जाए। रक्सौल में, रक्सौल की सीमा पर ऐसी जगह लोकेट कर ली गई, एक छोटा सा बाजार भी है और साप्ताहिक बाजार भी लगती है। इतने लंबे स्ट्रेस में एक जगह इस तरह आइडेंटिफाई करना कि वो उसकी लोकेशन नेपाल की और 20-25 मिनट में रक्सौल की, यानी उस जगह की, और 25 मिनट बाद फिर वो रोमिंग में चला जाता है, इंटरनेशनल रोमिंग में, ये तय कर लिया गया कि 2 दिन वो यहीं पर आया है। फिर उसकी एक आदत का उसे पता लगा कि वो सब्जी जरूर खुद खरीदने आता है विदाउट फेल। जब तक वो अपने महाराष्ट्र में सासवाद में अपने घर पर भी रहा, सब्जी वो खुद खरीदता था। और जब ये पता लगा कि 13 जुलाई को साप्ताहिक बाजार है उस इलाके की, तो करीब 5:30 बजे वो जैसे ही बाजार में आया, सब्जी का मोल भाव शुरू किया, सासवाद की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आज इस घटना में सिर्फ मुझे ये कहना है कि अपराधी कितनी भी चालाकी करता है, कितनी भी चालाकी से अपराध करता है, लेकिन कभी कभी वो अपनी किसी न किसी आदत की वजह से या पुलिस की नज़रों में बच नहीं पाता, पकड़ा जाता है। बहुत छोटी सी आदत ये कि साहब सब्जी लेने खुद जाते हैं, दूध लेने खुद जाते हैं, वेज या नॉन वेज खाते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, किडनैपिंग के केसेस में अब तो खैर बहुत कम हो गए, जैसे किसी बच्चे को या किसी को किडनैप करके ले गए, लोकेशन मिलते मिलते किसी जिले की मिली या कस्बे की मिली, तो पुलिस सबसे पहले ये पता करती है कि यहां पे प्रतिदिन 3-4 लोगों का खाना इकट्ठा कहां से जाता है, किस ढाबे से जाता है। कई घटनाएं मैंने बताई भी, सादे में पुलिस ढूंढ ढांड के पता कर लेती कि साहब एक लड़का आता है और 4 खाना दिन में और 4 रात में ले जाता है। अगली बार जब वो लड़का आएगा तो पुलिस उसका पीछा करेगी। कभी कभी एक बड़े किडनैपिंग में, जब कुणाल की किडनैपिंग यहाँ हुई थी और इसके पहले भी एक बड़ी किडनैपिंग हुई थी, तो कुछ दवाएं, जैसे सपोज करो जिसको किडनैप किया है उसके बारे में पता लगा कि ये डायबिटिक है या डायबिटीज का मरीज है, उसे किडनैप कर ले गए, उसकी तबीयत खराब होने लगी, उससे पूछेंगे, उसने कहा साहब हमारी फला दवा है डायबिटीज की। इधर पुलिस घर वालों से पूछ लेती है कौन सी दवा खाते थे, पता लगा साहब फला ब्रांड की या फला नाम की दवा खाते थे, अंदाज है कि इस कस्बे में या इस जगह पे ले गए हैं। तो वहां पर सभी दवाओं की दुकान पे ये चेक किया जाता है कि कोई ऐसा अनजान आदमी 10 गोलियां या जैसे जितना वो खाया करते थे, जितने एमजी की खाया करते थे, कहीं से ले तो नहीं गई हैं, ली गई हैं।
किसी किसी को नॉन वेज ही, अपराधियों में किसी को नॉन वेज ही खाना है, मीट ही खाना है या मीट ही खाता है, उस अपराधी का पता लग जाए कि साहब वो फला हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन मीट जरूर खाएगा, तो पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आसपास के किसी ढाबे से मुस्तकिल रात में कई दिन तक कहां पर कौन मीट बनवा के ले गया है। इस तरह से तमाम आदतें अपराधियों की जिससे वो पुलिस के जाल में फंसे थे। तो इसलिए कितना भी शातिर, कितना भी चालाक अपराधी हो, एक तो पुलिस की नजरों से बचना मुश्किल है अगर पुलिस सही नजर से देखे, और दूसरा कभी कभी वो अपनी आदतों से पुलिस के जाल में फंस जाते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।